ये एक देश है, वो कोई और देश है, ये यहाँ पे बॉर्डर है, इसमें करंट भी नहीं है। ये देखिए कितने पुराने से घर हैं, लेकिन इनमें भी लोग रह रहे हैं अभी अंदर। सत श्री अकाल जी, वेलकम टू द पंजाबी वॉन्डर्स यूट्यूब चैनल। आज हम घूम रहे हैं एक ऐसे देश में जो कि सिर्फ टर्की के लिए देश है, लेकिन बाकी पूरी दुनिया उसे देश नहीं मानती। तो हम घूम रहे हैं TRNC, टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ साइप्रस, और मेरे साथ हैं डॉक्टर साहब, जो कि डॉक्टर है तो भी नहीं है, ठीक है, ओके। तो अभी हम जा रहे हैं बॉर्डर में, नॉर्थ साइप्रस और साउथ साइप्रस का, दोनों में एक UN बफर जोन है। तो जो पूरी कहानी बताई थी मैंने आपको पिछले वीडियो में कि क्या स्टोरी है TRNC की, कैसे बना, क्यों बना, तो अब एक बफर जोन है बीच में वहाँ, तो उसके अंदर हमें जाना अलाउड नहीं है, लेकिन वी कैन स्टिल गो अप टू द बॉर्डर, वहाँ देखेंगे जाके क्या सीन है बॉर्डर पे, और बाकी लोगों से बात करेंगे यहाँ पे कि कैसी है लाइफ यहाँ पे, क्या क्या उनको दिक्कतें आ रही हैं इस चक्कर में कि ये कंट्री को कोई कंट्री मानता ही नहीं है। तो ऑल ऑफ दिस कमिंग अप इन दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड। ये चावल, अरे चिकन थोड़ा सा आया, बट रोटियाँ देखो कितनी बड़ी बड़ी सी हैं। अरे ये रोटी है क्या ये? जो झंडा है देखिए इस देश का, ये झंडा है टर्की का और ये है नॉर्थ साइप्रस का, बिल्कुल डिट्टो है, बस रंग थोड़ा बदल दिया है कि जैसे इसमें जो स्टार है वो वाइट कर दिया है, उसमें स्टार रेड कर दिया और मून रेड कर दिया, और बाकी पूरा बैकग्राउंड रेड है, इसमें वाइट है, बाकी काफ़ी सिमिलर है झंडे दोनों देशों के। तो ये शिमले नहीं आई, ये देख रहे हैं आप, तुर्कसेल कुजे किब्रिस, कुजे मतलब नॉर्थ, किब्रिस मतलब साइप्रस। तो टर्की में सबके नाम ऐसे ही है, उल्ट पुलट कर रखे हैं, हिंदुस्तान इसका किब्रिस है, बुल्गारिया का बुल्गारिस्तान है, ऐसे करके। तो अभी शिमले नहीं जा रहे हैं इसके अंदर, चलो भाई मास्क पहन लिया, हाँ चलो आप भी पहन लो भाई। तो खाना खाने के बाद और सिम लेने के बाद डॉक्टर चला रहा है पैदल ही, कि पैदल चलो पैदल चलो, पैदल ही पहुंच जाएंगे बॉर्डर। तो कितना रहेगा? 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर और पैदल चलेंगे, प्लस देखते रहेंगे कैसा देश है, क्या है सिस्टम यहाँ पे, कैसी गाड़ियाँ हैं, कैसी बसें हैं, कैसे रेस्टोरेंट। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ देखी ना हमने, कोई मैकडी KFC नहीं है, कुछ नहीं है। टर्की में थे? टर्की में तो बहुत हैं, भर के टर्की में भर के थे, यहाँ पे कोई मैकडी, कोई KFC, कोई CCD, कोई CCD चलो होगा नहीं, कहीं भी स्टारबक्स वगैरह कुछ नहीं है। ये देखो यहाँ पे NFC है, क्योंकि KFC नहीं है तो NFC। तो क्योंकि इसको कोई देश मानता ही नहीं है, तो इस देश में किसी भी कंट्री की एम्बेसी नहीं है। तो समझ लीजिए अगर हमारा यहाँ पे पासपोर्ट चोरी हो गया या कुछ हो गया, तो भाई हम फंस गए, क्योंकि यहाँ पे एम्बेसी नहीं है, तो कहाँ से बनवाएंगे नया पासपोर्ट। तो यहाँ पे किसी देश की एम्बेसी नहीं है, कोई चेन नहीं है, कोई मैकडी, डोमिनोज, गाड़ी रोक दी, हाँ यहाँ पे ना इस ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे तो गाड़ी रोक ही नहीं रहा था, तो अभी नवांगपुर हैरान हो जाएगा, गाड़ी रोक दी। अभी हम जाएंगे बॉर्डर पे, तो आपको दिखेगा कितना डिफरेंस है, आपको देखते हैं जाके कि वाइब आती है वो बॉर्डर वाली की, अरे बिल्कुल टाइट सिक्योरिटी, अरे क्या किस जगह पे आ गए, या फिर नॉर्मल जैसे होता है बाजार कोई भी रोड है, देखते हैं जाके। दो दिन पहले भी आया था ना मैं यहाँ पे, अच्छा पूछने शेंगेन वीजा, हाँ। और मेरे को लगा था कि क्रॉस कर सकते हैं, तो मेरा प्लान ये था कि मैं नॉर्थ साइप्रस आऊँगा, यहाँ से क्रॉस कर जाऊँगा साउथ में, वहाँ से कहीं उड़ जाऊँगा यूरोप में, बट ऐसा हो नहीं पाएगा, चेक करते हैं एक बार दोबारा जाके। ये कौन है? तो ये देखिए यहाँ पे खाना भी टर्किश ही है सारा, बकलावा पड़ा है। तो देखा आपने, खाना भी वही है, झंडा भी वही है, टर्की मान लो इसको एक तरह का, यहाँ पे करेंसी वही चलती है लीरा, तो सिम भी वही है, सिम कंपनियाँ भी वही हैं, तुर्कसेल, तुर्क टेलीकॉम, बैंक वैंक भी वही है, मेरे को वही दिख रहा है, वही है भाषा भी वही है, तो टर्की है एक तरह आपका। ये लग ही नहीं रहा भाई बॉर्डर जोन है, कि हम कहीं बॉर्डर के आसपास घूम रहे हैं कहीं। तो ये देखिए बॉर्डर के पास आ गए, तो यूरो में आ गए हैं रेट्स, क्योंकि जो दूसरा साइप्रस है वो यूरोपियन यूनियन है। क्या ये बफर जोन है? हाँ, ये साउथ साइप्रस, ये नॉर्थ, ये इधर है ना। तो आपने देखा ही था कि बॉर्डर के कितना पास है हम, और यहाँ देखिए सारी ज्वेलरी शॉप्स हैं, प्रॉपर एक बाजार ही है, लग ही नहीं रहा कि बॉर्डर है ये।
कहाँ क्या वो वही बॉर्डर है वो अरे देखिए ये मार्केट है और ये बॉर्डर है इनका। तो यहाँ देखिए ये टर्की का फ्लैग है, ये टीआरएनसी का फ्लैग है, उधर देखिए वो ग्रीस का है और साइप्रस का फ्लैग है, और ये है इनका बॉर्डर पासपोर्ट कंट्रोल। तो अभी मैं ट्राई करता हूँ इधर अंदर जाने का, अगर क्रॉस करने देते हैं कि नहीं देते, लेट्स सी। पंजाबी क्रॉस करने से पहले पानी पीते हुए यहाँ से डोंकी मारेंगे अब भाई हमको तो पता है यहाँ पे क्रॉस करना अलाउड नहीं है, पर ये भाई हम ट्राई तो करेंगे, चल जा देखते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये यही है बॉर्डर और ये बफर जोन का ही पार्ट है। देखिए कितने पुराने घर हैं, एकदम ही खंडर से बने हुए हैं। अरे तो अबैंडन्ड है। हाँ, तो जो कहानी बताई मैंने आपको कि कैसे बना था ये, तो वही जब डिवीजन हुई इसकी तो यहाँ से जितने भी ग्रीक लोग थे चले गए वो साइप्रस, साउथ साइप्रस, और वहाँ के जितने भी टर्किश लोग थे वो इधर आ गए। तो इसके कारण बहुत सारे घर अबैंडन हो गए। ये आप देख रहे हैं एक ऐसे कोई अबैंडन घर है पीछे मेरे, बिल्कुल खाली पड़ा खंडर है, और ये पीछे जो है वो यूएन बफर जोन है। आपको बॉर्डर दिख रहा होगा वहाँ पे, वो तारें सी लगी हुई हैं, वो बॉर्डर जोन है और मतलब बफर जोन है उसके उस साइड पे साइप्रस है। तो ये देखिए ये तो वही जो दीवार चल रही थी उधर, और इस पे देखिए ग्राफिटी है। जैसे मैं बर्लिन में था ना, ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन, तो वहाँ पे भी ऐसे था कि लोग चाहते थे आपस में मिलना, और वो दे यूज टू मेक ऐसे ग्राफिटी दीवार पे। तो यहाँ पे भी देखिए ये क्योंकि ब्लू है तो मे बी ये ग्रीक वाला साइड है, और ये रेड है तो ये टर्किश वाला साइड है, तो वो दोनों इकट्ठा होना चाहते हैं, वो बीच में सफ़ेद फूल है तो पीस, तो यहाँ के लोग चाहते हैं इकट्ठा होना। तो उस पर रेफरेंडम्स भी हुए हैं, उस पर हम बात करेंगे दोबारा। बाकी ये बिल्कुल मतलब कोई बोलेगा नहीं कि ये बॉर्डर है ये। तो जब वही लड़ाई हुई होगी उसके बाद यूएन बीच में पड़ा, उसने बोला कि ठीक है भाई ये बफर जोन बनाऊंगा मैं, इधर तुम इधर रहो, तुम इधर रहो, बीच में होगा बफर जोन। तो बफर जोन कहीं कहीं पे 1 किलोमीटर चौड़ा भी है, कहीं पे 500 मीटर तक भी है। तो ये पूरा बफर जोन ही है हमारे इस साइड में टीआरएनसी है। तो उधर तो नहीं जा पाए हम, मे बी कभी किसी और दिन यूरोप से आएंगे तब जाएंगे साइप्रस, अभी तो यहीं घूमते हैं हम। यही था ना पक्का? हाँ। तो जब बंदा पीछे गया है उसने हमें रास्ते में खड़े थे वहाँ पे, तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि नहीं ले सकते, तो आप कैमरा नहीं यूज़ कर सकते, तो हमने यूज़ कर भी नहीं रहे थे हम। तो बंदे ने आके बोला कि hey, my friend, no photo. तो ठीक है। तो एक चीज़ और है, अगर आप मैप भी देखेंगे ना खोल के, तो इस साइड के जितने भी नाम है शहरों के जगह के वो सब टर्किश कर दिए गए हैं, और जो उस साइड के नाम है वो अभी भी ग्रीक नाम है। तो अगर आप मैप खोल के देखेंगे तो हाँ वो सामने एक और वही दीवार है, वहाँ पे भी लिखा हुआ है फोटोग्राफी बैंड नॉट अलाउड। तो मतलब दिखने में लग रहा है कि हाँ ऐसे बिल्कुल ही वीरान खंडर से हैं, लेकिन इधर लोग बसे तो हुए हैं। ये बफर जोन के अंदर है, जो अभी भी कोई वहाँ कोई नहीं बसता है, वो अभी भी खाली है, और उसमें बफर जोन के अंदर ही एक एयरपोर्ट भी है जहाँ पे जाने की ट्राई करेंगे हम अगले वीडियोस में। यू विल गेट टू नो हम जा पाते हैं कि नहीं जा पाते, लेकिन हम ट्राई करेंगे। है भी करेंगे पर फेल ही होंगे लग रहा है। क्यों भाई नेगेटिव क्यों इतना दूर? करेंगे ट्राई करेंगे। तो यूएन के लिए उसको मेल करना पड़ता है, अभी करा है नवांकुर ने ईमेल, देखते हैं क्या जवाब आता है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो ये देखिए ये आगे वो दीवार है, वो बफर जोन है, ये घर है इधर, वहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं, वो कपड़े सुखा रहे हैं ऊपर कोई, तो मतलब बॉर्डर की कोई फील नहीं है, एकदम शांति प्रिय बॉर्डर है ये। बस वही है जो दिखता है आपको कि खंडर से बफर जोन में, क्योंकि वहाँ पे कोई रह नहीं रहा है, तो वो 1974 से ऐसे ही पड़े हैं। कई बार वो कपड़े ऐसे झाड़ते हैं तो पानी ना यूएन बफर जोन में जाके। यार मैंने ये तो देख लिया यहाँ पे आगे कि हमें लगता था कि ऐसे क्योंकि डिस्प्यूटेड टेरिटरी है तो गरीबी होगी यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, मैंने पीछे भी जैगुआर देखी, इतनी हमने ऑडी देख ली है, बीएमडब्ल्यू देख ली है, तो कोई भी सीन नहीं है गरीबी वाला, तो कोई सीन नहीं है। अच्छा है, खुशहाल देश है, मुझे तो खुशहाल लग रहा है। बाकी लोगों से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि, तो मैं हम ढूंढ रहे हैं कोई लोकल मिले बात करने को। पहली बात तो ये कि मैं टर्किश नहीं आती, बात कैसे करेंगे, तो कोई चाहिए जो उसको इंग्लिश आती हो तो उसी से बात करेंगे। ये बाकी एक तो पाकिस्तानी दोस्त है मेरे यहाँ पे, जो यहाँ पे रह रहे हैं, मे भी उनसे हमें कुछ इन्फॉर्म मिल जाए, वो सब अगली वीडियोस में आएगा। तो ये देखिए कितने पुराने से घर हैं, लेकिन इनमें भी लोग रह रहे हैं अभी अंदर। तो जैसे पीछे हमने देखा ग्राफिटी बना रखा था कि लोग चाहते हैं कि दोनों देश इकट्ठे हो जाए, एक देश बन जाए, तो यहाँ पे रेफरेंडम भी हुआ था, और रेफरेंडम में इस साइड के लोगों ने बोला कि
टर्की साइड वाले लोगों ने बोला कि हाँ हमें इकट्ठा होना है, उस साइड के लोग ने बोला कि शायद नहीं होना। तो कुछ ऐसा सीन है कि मतलब रेफरेंडम होता है, काफ़ी सेंटिमेंट ऐसा है कि हाँ इकट्ठा होना चाहते हैं लेकिन के अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। तो ये देखिए ये जो गलियां हैं मतलब हैं तो इस साइड गलियां तो ये जो गलियां ही हैं तो इस साइड पे, लेकिन कितनी ये यूरोपियन ग्रीक फील दे रही हैं, क्योंकि वही है पहले जो पूरा देश था वो मिक्स था, तो यहाँ पे भी ग्रीक लोग रहते थे, टर्किश लोग रहते थे, अभी सब अलग अलग हो गया है। तो ये कहानी अपने सिर्फ अपने देश में नहीं हुई है, हर जगह पे ही होती है ये कहानी डिवाइड एंड रूल वाली। तो अभी टाइम क्या हो रहा है भाई डॉक्टर? 4 बजने वाले हैं। हाँ तो थोड़ा अंधेरा भी होने लग गया है, तो देख लिया बॉर्डर अभी, लेकिन अभी बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को है। तो आगे आने वाली क्या बफर जोन में झूले पे झूल रहा है? अरे यहाँ सामने बफर जोन है, उसमें बच्चा झूला झूल रहा है। हम इस तरफ कुछ मुंह करके खड़े हैं, ये देखिए यार हम इस तरफ मुंह कर खड़े हैं, ये हमारा इधर का अपना साइप्रस है, उधर वाला साइप्रस उधर है। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं ये साउथ साइप्रस है, ये यूएन की बिल्डिंग है कोई चेक पॉइंट, और हम यहाँ खड़े हैं बिल्कुल ही बाउंडर पे। पार कर ही लिया है बस हमने। मैप में तो दिख रहा है कि पार कर लिया है। ये देखिए और यहाँ लिखा है फॉरबिडन जोन, यहाँ लिखा है चाय कॉफ़ी इंटरनेट, और अंदर झूले लगे हुए हैं, बच्चा झूले झूल रहा है अंदर। डॉक्टर अंदर घुस गया, अबे डॉक्टर रुक जा। तो यार इधर बाहर लिखा था फॉरबिडन जोन, लेकिन गेट था, गेट खुला था, उसमें लिखा था फॉरबिडन जोन लेकिन गेट खुला था, तो हमने देखा खुला है तो घुस जाते हैं। तो पता नहीं अभी हम साउथ में है कि नॉर्थ में, पता नहीं मेरे को। झंडा तो इधर लगा हुआ है अपना, नॉर्थ का ही है, नॉर्थ का झंडा, पर उधर है ना वो, पता नहीं हम कहाँ पे हैं। पार्क जो है ये नॉर्थ साइप्रस में है, वो ऐसे आ गया पूरा पार्क। और ये जो रोड आप देख रहे हो वो साइप्रस में है। वो देखिए झंडे, वो देखिए वही कहीं बॉर्डर था जहाँ से हमको मतलब भगा दिया गया था। वो देखिए वो झंडे ना ये वाले, हाँ, ग्रीस और साइप्रस, ये वाले ग्रीस और साइप्रस का झंडा है। ये रोड साइप्रस में है, यहाँ से हमें बॉर्डर दिख रहा है, मतलब जो TRNC है ना वो टर्की का चेला है, साइप्रस ग्रीस का चेला। चेला जैसे तुम्हें चेला है, जैसे तू मेरा चेला है। तो ये देखिए ये जो पूरा पार्क है ना ये नॉर्थ साइप्रस है, और इधर वो साउथ है, और देखिए वहाँ पे प्रॉपर रास्ते बने साइकिल के लिए, जेब्रा क्रॉसिंग है और क्या नहीं है, और यहाँ पे कुछ पूछता ही नहीं है कोई बंदा किसी जेब्रा क्रॉसिंग को। कितना फ़र्क है ये जाली इसके इस पार और उस पार, कितना फ़र्क है, यहाँ लीरा है वहाँ यूरो है। हाँ यहाँ लीरा है वहाँ यूरो है, हाँ ये भी है। बट इट्स वेरी कूल नो कि हम बॉर्डर पे खड़े हैं, इधर कोई इसमें करंट भी नहीं है। ओ भाई तूने ऐसी लगा होता करंट तो साले चिपक जाता। और वो साइप्रस है और इधर ही है। तो ये देखिए हम चाय पी रहे हैं यहाँ पे बैठ के, हम बैठे हैं TRNC में, और ये रहा साइप्रस। तो मतलब ऐसे बॉर्डर्स और भी देखे हैं यूरोप में मैंने, ऑस्ट्रिया से चेक जाते हुए, कोई बीच में कुछ होता ही नहीं, वैसे थोड़ा सा बोर्ड लगा होता है कि भाई अब तुम ये इस देश में आ गए हो, बट वो पूरा यूरोपियन यूनियन है। यहाँ पे फ़र्क है, यहाँ पे ये यूरोपियन यूनियन नहीं है, वो यूरोपियन यूनियन है, और प्लस दोनों में थोड़ी सी बनती भी नहीं है देशों में, और फिर भी इतना कूल बॉर्डर। ये बॉर्डर फेंस है, वो जो रोड जा रही है वो पेमेंट जा रही है वो उधर साइप्रस में पड़ती है, और हम चाय पी रहे हैं TRNC में। तो यहाँ पे अभी किसी ने सुट्टा मारा हुआ था, अगर मतलब वो सुट्टा यहाँ पिएगा तो धुआं मारेगा साइप्रस में। तो ये था वो पार्क, से झूले बने हुए हैं, बच्चे बच्चे घूमते हैं आराम से, ये कैफे है, एकदम चिल है पार्क। और सबसे ज़्यादा मुझे कहा था कि बॉर्डर पे है, ये बोला था कि 3 यूरो की देंगे चाय, 3 लिखा हुआ था, तो मैंने कहा भाई 3 यूरो तो नहीं, इतने ज़्यादा हो गए, 3 लीरा की चाय मिली। मतलब टर्की में पूरा महीना रहा, कहीं पर भी किसी भी गाँव में किसी भी शहर में 5 से कम नहीं मिली, 5 मिली या 10 मिली, यहाँ पर 3 लीरा। तो यार यही था आज का वीडियो, अभी अगले आने वाले दिनों में हम जाएंगे, अबैंडन्ड एक सिटी है, अबैंडन्ड एयरपोर्ट है, और बहुत सारी चीज़ें देखेंगे इस डिस्प्यूटेड देश में। तब तक के लिए मेरी तरफ से गुड बाय,
and make sure to subscribe to the channel, press the bell icon. I will see you in the next video. Maybe like we both will see you in the next video.